पार्टी के हमारे सभी नेतागण सुनील कुमार वोरा जी, एच एम पी सुरेंद्र मेहरा जी, हमारे चांदीवाल राजकुमार शर्मा जी, सुभाष जोधपुरिया जी, जगत सिंह बराड़ जी, छोटूराम साहब जी, मैं तमाम अन्य साथी भी आ रहे हैं। सभी का आज आपके बीच में आने का मुख्य मकसद जिस प्रकार से आज प्रदेश के हालात हैं उस पर चर्चा, और सबसे इस गर्मी के सीजन में सबसे जरूरी आवश्यक जो बिजली है, जो हर अमीर से लेकर गरीब से लेकर लोगों से लेकर खेतों तक आज जरूरत है, उसकी जिस प्रकार से कमी है, जिस प्रकार से आज पूरे हरियाणा में पूरे सिरसा जिला में त्राही त्राही मची है, उसके ऊपर आज हम आपके माध्यम से सरकार तक हमारा संदेश पहुंचाना चाहते हैं। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि पिछले दिनों, अब आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि हमें फिर 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी ले जा चुकी है। अगर हम देखें बिजली पिछले वर्षों से जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन के बाद कई प्लांट लगे बिजली के बड़े बड़े, और बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छे प्रकार से मिल रही थी, और जो भी सरकार उसके बाद में आई उन्होंने भी ये वादे किए कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु आज अगर इस वर्ष की हम बात करें तो सारी व्यवस्थाएं, सारी सरकारी मशीनरी और पूरी की पूरी सरकार फेल हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी, बिजली मंत्री जी, उन्होंने पहले विचार नहीं किया कि बिजली हमने देना कैसे है, और अब जब हाथ से मामला निकल गया तो आज अब बार बार मीटिंग करने का वो नाटक कर रहे हैं, और जो नाटक कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं आपको अब बताना चाहेंगे। कांग्रेस के शासन में कई समझौते हुए बिजली के, और वो लागू भी उस वक्त रहे और बिजली की आपूर्ति पूरी रही, परंतु पिछले दो साल से जो अडानी ग्रुप के साथ समझौते हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन में, अडानी ग्रुप ने हरियाणा को कोई बिजली नहीं, जबकि 25 वर्ष का उनका एग्रीमेंट था कि हम 25 वर्ष आगे तक हरियाणा के साथ समझौता रहेगा, दो साल नहीं रहा, और अब जिस प्रकार से बिजली के कट हैं और बिजली की कमी है उसके बाद फिर अडानी याद आ रहा है, जबकि वो ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था जब दो वर्ष हमारे हरियाणा को बिजली नहीं मिली। मंत्री का अब पहला अल्टीमेट है, हम पूरा स्टेज वाइज चलेंगे, जैसे ही बिजली हमने पहले जो यहाँ का मेन ऑफिस है उसका जो घेराव करने का मतलब ये है कि हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में फिर चाहे हमारा बिजली मंत्री के खिलाफ, फिर चाहे मुख्यमंत्री के खिलाफ करना पड़े, हमने टाइम दिया है कि आप 6 मई तक इसको सुधारो, और 6 मई को तो ये प्रोग्राम हमारा निश्चित हो चुका है। अगर फिर नहीं सुधरे तो बिजली मंत्री का भी घेराव होगा और मुख्यमंत्री का भी घेराव होगा। हरियाणा की जनता को हम इस प्रकार बिलकते नहीं दे सकते। आज अगर रात को जिस प्रकार से हालात हैं, जिनके इन्वेटर हैं वो तो फिर भी बेचारे, आप तो इन्वेटर का भी फेल हो चुका है वैसे, परंतु आम और गरीब परिवार के बच्चे बिलक रहे हैं इस भयंकर गर्मी में, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है, और बिजली संकट के कारण पूरा प्रदेश जल रहा है। सर, क्या कारण है कि हरियाणा में भी प्लांट है लेकिन वो बंद है, क्या हो? देखिए, अभी पानीपत इकाई की बात करें तो सिर्फ कोयला 3 दिन का रहा, 3 दिन के बाद क्या करें ये हमें मुख्यमंत्री जी बताएं, मंत्री जी बताएं, यानी हमने पहले ही कहा है कि प्रबंध नहीं किए इन्होंने, ये अलग मामलों में चलते रहे, ये अलग अलग धर्म जाति के नाम पे लड़ाने वाले काम पे चलते रहते हैं कि इसी से हमारा प्रदेश है वो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बढ़ता। हमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो देनी पड़ेगी। अभी जिस प्रकार से आप देखोगे कि अगर बिजली का संकट है तो उसके साथ साथ पानी का भी संकट है, क्योंकि बिजली के बिना पानी नहीं आएगा। अब बहुत जगह पानी नहीं पहुँच रहा, जितने हमारे साथी कांग्रेस जन हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में वो काम करते हैं, सभी के पास इतने फोन आ रहे हैं कि हमारे पानी नहीं है, हमारी बिजली नहीं है। विपक्ष है वो अपना रोल, अहम रोल अदा करे। बिजली मंत्री के बार बार दावे आ रहे हैं कि बिजली की कमी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, अक्सर बयान सुनने में मिल रहा है बिजली मंत्री का, ये मैं झूठ नहीं बोलता, बिजली की कमी नहीं है। अगर वो झूठ नहीं बोल रहे तो ये उनकी
अभी उन्होंने 6 या 8 को कैबिनेट मीटिंग रखी है इसी बिजली मुद्दे पर, क्यों वो बात कर रहे हैं कि हम दूसरी कंपनियों के साथ, अडानी कंपनी के साथ या छत्तीसगढ़ के अंदर से हमें खरीदनी पड़ रही है बिजली, क्यों खरीद रहे हैं ये हमें बताएं। वो झूठ नहीं बोल रहे तो आप जो आज का स्थिति है, आप सभी पत्रकार भाई बंधु हैं, सभी हैं, सबको पता है कि हरियाणा में बिजली व्यवस्था ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और ये कल की, अगर मैंने आज ही देखा मंत्री जी का एक फोटो देखा जिसमें उन्होंने कैप लगा के एक किसी इकाई के अंदर घूम रहे, 25 वर्ष का समझौता हो चुका था, अब उसको ऊंचे दामों में देना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के घनिष्ठ मित्र हैं अडानी जी, और उनको ऊंचे दामों में बिजली उनको देना चाहती है ये सरकार, इसलिए अब दोबारा वो उसके साथ एग्रीमेंट करना चाहती है। एक कारण तो ये है। दूसरा कि प्रदेश के जो हमारे बिजली मंत्री जी हैं वो और कामों में ज़्यादा लगे रहते हैं, उनका ध्यान इस बात पे कतई नहीं था कि बिजली का संकट आ सकता है। अगर वो अन्य बातों पर ध्यान ना देकर अगर इस बात पे ध्यान देते कि हम, मैं बिजली मंत्री हूँ और मेरी जो जिम्मेदारी बनती है कि मैंने हरियाणा की जनता को बिजली देना है, तो आज ये समस्या बीच में नहीं आती। अगर बिजली की समस्या के बारे में, कटों के बारे में हम आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से 6.5 घंटे का कट किए हैं शहरी क्षेत्र, और आपके माध्यम से ही, अखबारों के माध्यम से ही पता चला कि 4.5 घंटे का कट किया है ग्रामीण क्षेत्र, परंतु अगर आप देखोगे कि 6.5 घंटे का तो ना सिर्फ एक उन्होंने शेड्यूल जारी किया है परंतु उस पर काम नहीं हो रहा, इससे उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं, इससे खेतीबाड़ी भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो शेड्यूल के अतिरिक्त भी कट लगाए जा रहे हैं, उद्योगपति भी चाहता है कि अगर 9 से 10 कट है तो 11 बजे मैं मेरे मजदूर लगाऊँ, परंतु 11 बजे भी लाइट नहीं आ रही। ऐसे ही किसान हैं, वो खेतों में उनका फसलों का वक्त है, उन्होंने फसलों की बिजाई करनी है, इसी प्रकार से फसलों की बिजाई का जो हमारे ट्यूबवेल कनेक्शन है उनका जो कट है वह भी बहुत ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो यानी प्रबंध है वो फेल हो चुके हैं, सरकार है वो फेल हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निर्धारित किया है कि पुरजोर तरीके से इस सरकार का विरोध करेंगे, बिजली मंत्री जी का विरोध करेंगे, और हम ये भी चाहेंगे कि बिजली के अधिकारी हैं वो भी ठीक काम करें। अब कहीं कहीं जहाँ 4 अधिकारियों की जरूरत है, कर्मचारियों की जरूरत है, वहाँ 1 आदमी काम कर रहा है, प्रॉपर फील्ड पे कोई काम नहीं हो रहा। इसलिए हम सभी, हमारे जितने भी इनके चैनल हैं, हम सभी का विरोध करते हैं, और आने वाले टाइम में हम आपको अभी बता देंगे कि किस दिन एक बड़ा हम प्रोग्राम बिजली संकट के ऊपर घेराव करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी डेट हम बता देते हैं कि 6 मई को एक बड़ा प्रदर्शन धरना जो बिजली बोर्ड के सामने कांग्रेस पार्टी रखेगी, जिसमें पूरे सिरसा जिला का एक एक